नमस्कार अदाब सत श्री अकाल एंड केम छो वेलकम टू आर ओन प्लेटफॉर्म दैट इज केमिस्ट्री बाय सलोनी सिंह माय सेल्फ योर मेंटोर सलोनी सिंह की हाल चाल बच्चा लोग कैसे हैं आप सब येस माई डियर स्टूडेंट्स मुझे अच्छे से पता है कि नीट का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं वो तो ऑलरेडी बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट हैं बोर्ड एग्जाम्स को फिनिश करके वो नीट पे कूदने वाले हैं जो हमारे जितने भी ड्रॉपर बच्चे हैं वो ऑलरेडी एक या दो बार सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं और ये टाइम है रिवीजन का कई बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम रिवीजन कैसे करें क्या करें वो सारी चीज़ें मैं आपको डेफिनेटली क्लियर आउट करूंगी मैं आपके लिए एक चैलेंज लेकर आ रही हूँ जहां पर आपको डेली टारगेट दिए जाएंगे कि आप क्या पोर्शन कंप्लीट करिए कितना क्वेश्चन बैंक है वो सारी चीज़ें मैम आपके लिए लेकर आने वाले हैं डेफिनेटली आई विल असिस्ट यू इन योर प्रेपरेशन बट एट द सेम टाइम अगर आप ये प्रेपरेशन रिविजन वाला प्रोसेस शुरू भी कर रहे हैं बेटा तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसमें से श्योर शॉट, हंड्रेड परसेंट केमिस्ट्री के नीट में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं ये वो टॉपिक है जिसे हम कहते हैं डू और डाई इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है ऐसे टॉपिक्स में आज आपके सामने रखने जा रही हूँ ताकि रिविजन करते वक्त आप पढ़ना तो सब है बेटा लेकिन आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जितना भी क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल क्वेश्चन है वो डेफिनेटली सॉल्व करें उसे बिल्कुल भी मिस आउट ना करें आ जाता है सबसे पहले वाले चैप्टर पे सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट मोलार मास क्वेश्चन आपकी नीट एग्जाम में हंड्रेड परसेंट होगा बिना स्टोक्योमेट्रिक रिलेशन के नीट का पेपर आपका हो ही नहीं सकता है तो जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर कवर करते हैं मोल कॉन्सेप्ट स्टोक्योमेट्रिक स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको करने हैं सेकेंड आ जाते हैं अटोमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर पे जो कि कायदे से बहुत सारी थियोरी है उसके अंदर बट बहुत सारी जगह निकालने के लिए जो भी फॉर्मुलाज है वो आप अच्छे से रिवाइज करेंगे उसके क्वेश्चंस करेंगे लाइमन बामो पाशन ब्रैकेट फंड रिलेटेड ट्रांजिशन के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में घुसेंगे जहां पर आप क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन को बहुत अच्छे से करेंगे इन टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं आपके नीट के एग्जाम में हंड्रेड होगा केमिकल बॉन्डिंग अगर आप उठाते हैं तो उसके अंदर से हम डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको 100% करने हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन एंड वी थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन पर से अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो बेटा फिर वो आपका नीट का केमिस्ट्री का पेपर तो नहीं है हाइब्रिडाइजेशन और वी थ्योरी पे एक एक क्वेश्चन आपको मेरी तरफ से लिख के ले लो डेफिनेटली मिलेगा नीट के एग्जाम में इसीलिए ये टॉपिक्स तो बिल्कुल भी मत छोड़ना रिवीजन के टाइम पे इसको एकदम चार्ट जाना है ना जैसे आइसक्रीम चाटते स्पून से वैसे आपको चार्ट जाना है उसको बिल्कुल ठीक है इक्विलिब्रियम चैप्टर जब आप उठाते हो तो आपको वीक एसिड और वीक बेस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस और उनका पीएच कैसे कैलकुलेट करना है वो सेगमेंट आपको बहुत अच्छे से पकड़ना है उसके अलावा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल, ये वाले लास्ट वाले सेगमेंट जहां पर आपको आयोनिक प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मेंशन किया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है कवर इक्विलिब्रियम में कंसीडरिंग ऑल द टॉपिक दीज टॉपिक्स आर हंड्रेड परसेंट गोइंग टू गिव यू वन क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग चाहे वो आपकी क्रिस्टल फील्ड थियोरी के बेसिस पर हो आ, आपको बॉन्डिंग में पता होना चाहिए कि कौन सी जोमेट्री है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्पिन मोमेंट निकालना ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए स्टेबिलिटी कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कैसे चीलेशन से स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है एंड आई यू पी एस सी आ जाता है आइसोमेरिज्म आ जाता है कितने जोमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमर है या ये कौन सा वाला आइसोमर है इस तरीके के क्वेश्चन आपके नीट के पेपर में आपको हंड्रेड परसेंट देखने को मिलेंगे तो ये कुछ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्यारे बच्चों को बताना चाहिए एनालाइजिंग द लास्ट टेन ईयर्स पेपर्स आई केम टू द कंक्लूजन दैट दीज टॉपिक्स यू नीड टू फिनिश For sure, 100% for your neat examination coming on 7th May 2023. So, that was it, my dear students. Please make sure to revise all these topics nicely and solve as many questions as possible. And wait for the uh, revision sessions and announcement where I'm going to give you the revision strategy as well as i'll tell you the daily challenges and also how i will be providing you the mock test and question bank in the telegram so make sure to be the part of the telegram and thank you so much my dear students we'll meet you soon till then all the best for your preparation bye bye take care